एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का लुत्फ उठाते हुए हम लोग अनबिलीवेबल बल्लेबाजी यहां पर आशीष की। ये शॉट्स रियली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में खेले जाते हैं। सौरभ जैसी तेज गेंदबाज को इस तरह के स्ट्रोक्स लगाना स्क्वायर दिशा में वाकई अनबिलीवेबल। क्या टाइमिंग है, बहुत मार चिल्लाता है उसको अच्छे से लेना, इसके शॉट ले जूम कर उसको। बहुत अच्छे से निगोशिएट किया एक रन के लिए, डिफेंसिव स्ट्रोक भी था तो क्लासिक। वाकई बढ़िया बल्लेबाजी आशीष की, कोई गेंदबाजी में कमी नहीं है। सौरभ जो पहला ओवर फेंक रहे थे लगभग उसी अंदाज में दूसरा ओवर है, लेकिन आशीष की जो तकनीक है तेज गेंदबाजी को खेलने की काबिल तारीफ, अनबिलीवेबल। अरे बहुत यार, और ये कोई मौका नहीं छोड़ सकते। आशीष का जो डिलीवर है ब्यूटीफुल टाइमिंग, बढ़िया शॉट गेंद आगे निकल उठा है खिलाड़ी गेंद के नीचे। ओ बहुत शक्तिशाली वहां प्रयास था, बहुत अच्छा प्रयास था। आगे निकल कर ड्राइव किया कप्तान सौरभ, फुल टॉस फ्लाइंग टैग को फुल टॉस बनाया और यह बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। पिछला सेमीफाइनल आपने देखा बेहतरीन गेंदबाजी की, ये लगता था कि आपने ये भी ये काफी कठिन होगा इसको बनाना, लेकिन जिस आक्रमण पहले आपने सहा और उसके बाद स्पिन परफेक्ट टेक्निक, कहीं कोई हड़बड़। स्लो किया, हमने अटैक करने की कोशिश नहीं की जो मिडल ओवर थे, वहां अगर अटैक करने जाते थे
तो थोड़ा से दो तीन विकेट अगर बर्डन में आ जाते थे तो वो मुश्किल हो सकता था, तो इसलिए हमको जरूरी था किसी भी रनों को। वेरी नाइस, आपका टैलेंट देखते हुए लगता है भविष्य में निश्चित रूप से आप एक हीरा बनके उभरेंगे। कांग्रेचुलेशंस। बड़ा नाम, बड़ा गेम और बड़ा प्रदर्शन। बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट आशीष राधी, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट आशीष राधी। I'm not going to do that.